जी बेटा, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। उम्मीद है आपने ओरिएंटेशन क्लास अटेंड कर ली होगी। अगर नहीं तो आपके LMS में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से काइंडली ओरिएंटेशन क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। आज हम प्रॉपरली अपना 50 मार्क्स का जो पोर्शन है कंपनी लाकर उसको शुरू कर रहे हैं। तो कंपनी लॉ बेटा 50 मार्क्स का पोर्शन है, 35 मार्क्स हमें केस स्टडीज़ और थ्योरी के आएंगे इसमें से, और बाकी के जो 15 मार्क्स हैं वो हमें इस एरिया में से MCQs में आएंगे। इस एरिया को पहले शुरू करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वो बेटा इसका वॉल्यूम कम है, सिंप्लिसिटी है, और इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे ताकि हम अपने एग्ज़ाम में इस एरिया को टारगेट कर सकें, और इसमें से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो दिस इज़ एन ईजी पार्ट या ईजी पोर्शन ऑफ आर सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसको शुरू किया। आज के हमारे इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम बेटा कंपनी को सीखेंगे। व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके कुछ स्ट्रक्चर को भी इंशाल्लाह सीखेंगे। फिर आर्टिफिशियल पर्सन यानी इसकी जो लीगल हैसियत है इस कंपनी की, उसको सीखेंगे इंशाल्लाह। और फिर कुछ कंपनी के फीचर्स जिस पर हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी रहेगी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस में आके देखेंगे इसको कि कंपनी कहाँ पर प्लेस होती है और बिजनेसिस में अदर बिजनेसेस कहाँ प्लेस होते हैं। कंपनी क्या है? सबसे पहले तो बेटा कंपनी की वो दो तीन एग्जांपल्स देख लें। क्या हम रियल लाइफ में इन बिजनेसेस से हमारा कोई पाला रहता, क्या हमारा कोई वास्ता पड़ता है इन बिजनेसेस से? अगर बेटा आप लेस्को की बात करें, लाहौर में रहते हैं तो लेस्को सबको पता है, विच इज़ अ कंपनी, वापडा, NTDC, PIA, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज की बात की जाए, टेक्सटाइल सेक्टर में देखा जाए तो सफ़ायर, हीरा टेक्सटाइल, अप्लाइंसिस में देखा जाए तो पेल इज़ अ कंपनी, ओरिएंट इज़ अ कंपनी, हायर इज़ अ कंपनी। फर्टिलाइज़र में देखा जाए तो फौजी फर्टिलाइज़र, फातमा फर्टिलाइज़र। सीमेंट इंडस्ट्री में देखा जाए तो मैपल लीफ इज़ द कंपनी, DG सीमेंट इज़ द कंपनी। तो जिस भी फील्ड में जाएं, इवन बैंकिंग सेक्टर में जाएं, अलाइड बैंक इज़ अ कंपनी, बैंकिंग कंपनी है, MCB बैंक इज़ अ कंपनी। तो ये हमारे चारों साइडों पे, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, वी आर डीलिंग विद डिफरेंट बिजनेसेस। ठीक है जी। अब उन बिजनेसेस की डिफरेंट नेचर्स है। कुछ हम सोल प्रोप्राइटरशिप उनके साथ डील करते हैं, जैसे आपके गली मोहल्ले में जो शॉपकीपर्स हैं, सब्ज़ी वाली दुकान, फल वाली दुकान, फ्रूट वाली दुकान, इनसे आप डील करते हैं। कुछ आप बेटा पार्टनरशिप बिजनेसेस से डील करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेसेस की एग्जांपल्स हमने अपने पहले लेक्चर में देखी, दोबारा देख लेते हैं। ऑडिट फर्म्स जितनी भी हैं ये पार्टनरशिप फर्म्स हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग फर्म्स, लॉ फर्म्स, कोई ग्रोसरी शॉप वो भी पार्टनरशिप पर हो सकती है, कोई फास्ट फूड की शॉप वो भी पार्टनरशिप पर हो सकती है, तो उनसे भी आप डील करते हैं। और कंपनीज़ का भी मैंने आपको बता दिया। बेटा सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। आपकी फैमिलीज में, आपके इलाके में, आपके फ्रेंड्स में सोल प्रोप्राइटरशिप की बेतहाशा एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एक ही शख्स अकेले कारोबार कर रहा है और वही कारोबार को चला रहा है। कुछ लोग उसने असिस्टेंट अपने पास रखे हैं, और आपको पार्टनरशिप की एग्जांपल्स भी आसानी से मिल जाएंगे। इंशाल्लाह हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा इंटरमीडिएट के बाद जब आप CA में आते हैं, AFC के बाद इमीडिएटली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस सब्जेक्ट में आमतौर पर बच्चों को अभी कंपनी के सेटअप का एक्सपोजर नहीं होता। बहुत कम बच्चे होंगे आप में से जिनकी फैमिली में कंपनी बिजनेस सेटअप होगा, जिनके बहन भाई, जिनके फैमिली मेम्बर्स, जिनके इलाके में कंपनी का बिजनेस सेटअप होगा, ये कम लोग होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को आमतौर पे कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में, लीगल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लॉज के बारे में आमतौर पे नहीं पता होता। ठीक है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। डेफिनेशन देखी जाए तो अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। बेटा अगर इसको हम रिलेट करें आपकी आइडेंटिटी से, आप सब स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, अब आपका CNIC बना होगा, या कुछ बच्चे होंगे शायद अभी भी फॉर्म B पे होंगे, जिसको बे फॉर्म भी कहते हैं।
तो ये बेटा आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, उसका CNIC, आपका पासपोर्ट है, आपका शिनाख्ती कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, फिर आपका किस इलाके से हैं उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है आपका, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। तो ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम कंपनी के बारे में देख रहे थे और हमने एग्जांपल कोड की, जैसे आप बच्चों को, जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारी एक लीगल आइडेंटिटी है जिसको CNIC बोलते हैं। जब खुदा ना खासा कोई लॉ की वायलेशन की जाए, ओवर स्पीडिंग की गई है, सिग्नल ब्रेक किया गया है, तो जो आपका चालान होता है ना, वो ये नहीं कहते कि मिस्टर ए को पकड़ कर रख लें, मिस्टर बी को पकड़ कर रख लें, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका चालान करते हैं। यानी लॉ की इम्प्लीकेशन आपकी लीगल आइडेंटिफिकेशन पे होती है, ठीक है। अगर कोई टैक्स पे ना करे तो उसका नेशनल टैक्स नंबर होता है, NTN नंबर, उसके मुताबिक उसको ट्रेस आउट किया जाता है। इसी तरह बेटा कंपनीज भी रजिस्टर्ड होती हैं किसी लॉ के तहत, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक बनेगा, आपका CNIC बनेगा तो आप अगर पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो उनके सिटीज़नशिप के जो कवानीन है उसके मुताबिक बनेगा। आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो भी आपके जो पासपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो लॉज हैं, उसके मुताबिक बनेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जब कंपनी पे रजिस्टर होती है, वो जिस कंट्री में रजिस्टर हो रही है उसके जो लॉज हैं उस कंपनी से रिलेटेड, उसके मुताबिक रजिस्टर होती है। तो लिखा हुआ है जी, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। अब मैंने कंपनी लॉ का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया बेटा, ओवर द टाइम लॉ में चेंजेस आती हैं, ठीक है। आगे नीचे देखें ब्रैकेट में, नीचे मैंने क्या लिखा है, कंपनी लॉ मीन्स कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। यानी इन तीनों में से अब आजकल तो जो चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है, यानी जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है राइट नाउ, जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल है। लेकिन बेटा कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 1913 के मुताबिक रजिस्टर्ड है उसके एक्ट के मुताबिक, कुछ ऐसी हैं जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं, कुछ ऐसी हैं कंपनीज जो 2016 में रजिस्टर हुई हैं। तो कंपनी तो रजिस्टर्ड जिस टाइम पे हुई, उस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल है उसके मुताबिक रजिस्टर हुई होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में उस टाइम पे, जिस टाइम पे कंपनी बन रही थी, इनकॉर्पोरेट हो रही थी, रजिस्टर हो रही थी, उस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल था उस लॉ के मुताबिक कंपनी ने रजिस्टर होना है। अब लॉ क्या होगा रजिस्ट्रेशन का बेटा, देखें जैसे आपने CNIC बनवाना है, उस CNIC के लिए क्या करना पड़ता है आपको, नादरा के ऑफिस जाएंगे, प्रेस्क्राइब फॉर्म देंगे, उसके अटेस्टेशन कराएंगे, डाटा फिट कराने के बाद उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर जाके वो आपको रजिस्टर करेंगे, एक टाइम के बाद आपको CNIC मिल जाएगा। इसी तरह बेटा जब आपने अपनी कंपनी को, कारोबार को रजिस्टर करना है तो इट्स जस्ट लाइक द पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अभी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। इस कंपनी को भी जाके एक ख़ास इंस्टीट्यूट है, अदारा है, जिस तरह नादरा है ID कार्ड के लिए, CNIC के लिए, इसी तरह कंपनी को रजिस्टर करने के लिए SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, है वहाँ पे जाएंगे, उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स यानी फॉर्म्स को फिल करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे, वेरिफिकेशन कराएंगे, वहाँ पे जाकर सबमिट करेंगे, उसकी जो फीस है वो फीस अदा करेंगे तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, ठीक है। जो भी उस टाइम का, जिस वक्त आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं उस टाइम पर जो भी लॉ एप्लीकेबल था उसके मुताबिक कंपनी रजिस्टर होना है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? हाँ भी और ना भी। अगर आपने अपने घर के नीचे एक दुकान बनानी है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते आमतौर पर लोग, जबकि जो आप नाम रखेंगे उस ब्रांड की रजिस्ट्रेशन एज ए सोल प्रोप्रेटर हो सकती है। इसी तरह पार्टनरशिप जब होती है, पार्टनरशिप के एक्ट है, उसके कुछ कवानीन है, उसके मुताबिक पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर्ड हो सकता है और कंडक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन बेटा जब आपने कंपनी बनानी है, कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है, लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बगैर कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है जी। तो अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का मतलब जिस टाइम पर रजिस्टर हो रही है उस टाइम पर जो एप्लीकेबल लॉ था उसके मुताबिक, एंड इज गवर्न्ड बाय, और उसको चलाया जाता है बाय
कंपनीज एक्ट 2017। अब ये जो गवर्नेंस की बात है, यानी उस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो उस कंपनी के मामला चलेंगे, ये किसके मुताबिक चलेंगे? ये बेटा जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। आजकल जिस टाइम पे हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज के लिए जो मौजूदा कानून है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2017। जब आपने CNIC बनवाया आपसे 10 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वक्त अगर सिटीज़नशिप के कुछ कवानीन और थे, और आज के टाइम पे अगर सिटीज़नशिप के कवानीन कुछ और हैं, लेकिन बेटा जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप अपनी नकलो अपना लाइफ की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लॉज एप्लीकेबल हैं उसके मुताबिक ही कारोबार करेंगे ना। जैसे अभी गिलगित बल्किस्तान को प्रोविंस का स्टेटस मिला, उससे पहले अगर किसी का आईडी कार्ड बना हुआ है तो बना तो पुराने लॉ के मुताबिक है, लेकिन अब चूंकि वो प्रोविंस है तो जो प्रोविंशियल लॉज हैं वहाँ के सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होंगे। इसी तरह बेटा कंपनी जब की भी बनी हुई है 1913 के मुताबिक, 1984 के मुताबिक या 2016 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक, उस टाइम के लॉ के मुताबिक रजिस्टर होगी। लेकिन अब इस पर इसको ऑपरेट करने के, इसके कारोबार के मामलों को चलाने के जो लॉज हैं वो मौजूदा जो आजकल के ज़माने के हैं वो अप्लाई होंगे। तो आज जिस टाइम पे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सारी कंपनीज के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है जी, अब दोबारा आते हैं वापस। कंपनी क्या है, इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस वक्त के लॉ के मुताबिक, और ये गवर्न करेगी यानी अपने मामलात इसके जो कारोबार के होंगे वो चलेंगे जो मौजूदा कवानीन है कंपनीज एक्ट 2017 उसके मुताबिक, एंड गवर्न बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये बेटा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसकी भी गाइडलाइंस हैं, इस पर भी कम्प्लीट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, समझाने की आसान अल्फाज में आपको एक एफर्ट करूँ, वो ये है कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जिस टाइम पर कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं उस टाइम के कवानीन के मुताबिक, जब कंपनी रजिस्टर हो गया उसके बाद जब उसने अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ करनी है, तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो मौजूदा लॉ है जिस टाइम पर वो बिज़नेस एक्टिविटी कर रही है वो लॉज एप्लीकेबल होंगे उसके मुताबिक, प्लस जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, प्लस जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। तो ये बेटा स्टेट के लॉज होते हैं, स्टेट लॉज, और ये क्या होते हैं जी, इंटरनल लॉज। इंटरनल लॉज का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं, चला रहे होंगे इस कारोबार को, जो चलाने वाले लोग हैं उनके लिए, कारोबार को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो कंपनी क्या है, ये रजिस्टर्ड होगी कंपनी लॉ के मुताबिक, और ये गवर्न होगी, अपने कारोबार को चलाएगी कंपनीज एक्ट के मुताबिक, एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी इंटरनल कवानीन के मुताबिक। तो दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। ले बेटा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की हैसियत हासिल है। जिस तरह इंसान एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, एक नेचुरल पर्सन है, आपकी एक लीगल हैसियत है, आपके पास CNIC है, जिस इलाके के, जिस मुल्क के आप मकीम हैं, जिस मुल्क में रहते हैं उसका CNIC है, जिस प्रोविंस में रहते हैं उसका आपके पास डोमेसाइल है, इसी तरह बेटा जो कंपनी है ना उसको भी लीगल हैसियत हासिल है। इसको कवानीन में एक पर्सन, एक शनाख्त का नाम दिया जाता है जिसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है जी, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है ये समझाने के लिए नीचे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, ये जो बिजनेसेस होते हैं, अगर आप इसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो सोल प्रोप्राइटर है या जो पार्टनरशिप है उसमें जो कारोबार का नाम होता है, फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में एक दुकान है बिस्मिल्लाह नान शॉप फॉर एग्जांपल, उसका ऑनर कौन है, फॉर एग्जांपल हाजी साहब हैं, वो जो हाजी साहब है ना, कहा जाता है ये हाजी साहब की दुकान है, हाजी साहब को ही पैसे दिए जाएंगे, उनसे ही पैसे लिए जाएंगे, दुकान के साथ मामला नहीं होते। इसी तरह पार्टनरशिप का जो बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल दो लोग मिलके उन्होंने नान, ये जो नान शॉप है ये बनाया हुआ, तंदूर बनाया हुआ, अब उनसे इंडिविजुअल लोगों से मामला किए जाते हैं, अगर आपने पैसे दिए हुए और आपको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिली, या आपके साथ जो अरेंजमेंट है वो तय नहीं हो पाए, या एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं तय हो पाए, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए,
तो आप भाजी साहब को पकड़ेंगे या उन पार्टनर्स को पकड़ेंगे कि भाई जान मैंने पैसे दिए हूँ, आपने मुझे अब तक गुड्स या प्रोडक्ट क्यों नहीं सप्लाई की गई। लेकिन बेटा जब कंपनी की बात की जाए तो कंपनी इज अ लीगल पर्सन, तो यहाँ पे अब आपने हाजी साहब को नहीं पकड़ना, यहाँ पे आपने किसको पकड़ना है, कंपनी को पकड़ना है। तो कंपनी का लीगल स्टेटस है, कंपनी एक इंसान की तरह समझी जाती है कानून की नज़र में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कैमरे की नज़र से, इसी तरह बेटा जो कानून है, कानून ये समझता है कि कंपनी इज़ अ पर्सन, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, उसको चलाने के लिए लोग हैं, वो भी नीचे पड़ते हैं। तो कंपनी को क्या बेटा लीगल स्टेटस हासिल है, जिस तरह आपको अपने CNIC पे एक लीगल स्टेटस हासिल है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ के शहरी हैं और आप एक इंसान हैं और आपके आपकी जो शनाख्त है उसके मुताबिक आपके ऊपर कानून अप्लाई होंगे। इसी तरह बेटा कंपनी की भी एक आइडेंटिटी होती है, उसका नाम होता है, उसके मुताबिक उसके ऊपर कानून अप्लाई होते हैं। तो इसका लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है, खुदा ना खास्ता अगर कंपनी किसी इररेगुलरिटी में इन्वॉल्व हो तो आपने कंपनी पे केस करना है, पेप्सी पे केस करेंगे, पेल पे केस करेंगे, ऑरेंट पे केस करेंगे, सितारा केमिकल पे केस करेंगे, पेल पे, मैकडोनल्ड्स पे, आप उनके एम्प्लॉयज़ पे, मालकों पे केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जाके अदालत में कहेंगे जी फलां कंपनी है, पेप्सी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, कोका कोला ने मेरे साथ फ्रॉड किया, MNCs आमतौर पर फ्रॉड नहीं करती, मेरे साथ सितारा केमिकल ने फ्रॉड किया, वापडा का बिल मेरे पर गलत आया, आप उनके एम्प्लॉयज़ पे केस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, अब आपने बिस्मिल्ला नान शॉप पे या ABC स्टेशनरी पे उसकी दुकान के नाम पे केस नहीं करना, उसके मालिक के नाम पे केस करना। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय लीगल स्टेटस, ठीक है जी। तो लीगल स्टेटस का मतलब है जब आप अदालत के पास जाएंगे, कानून की नज़र से देखेंगे, तो कंपनी इज़ अ सेपरेट पर्सन, कंपनी को एक पहचान है, आपने कंपनी के नाम पे केस फाइल करना। लेकिन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, इनका जो बिजनेस का नाम है उस नाम पे केस फाइल नहीं होगा, बल्कि उनके मालकों के नाम पे केस फाइल होगा। जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप का बिजनेस है उसको लीगल स्टेटस हासिल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। अब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस, हम बिजनेस के लॉज पढ़ रहे हैं बेटा। जब आप किसी बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त का, कर्जा लेने का, कर्जा देने का, कोई ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें आपने कोई ख़रीदारी करनी है, कुछ चीज़ें सेल करनी है, कुछ सर्विसेज लेनी है, तो आपको चूंकि आप बिज़नेस के स्टूडेंट हैं तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए जब आप किसी के साथ लेन देन के मामलात कर रहे हैं, बिज़नेस मैटर्स को डील कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अदर पार्टी का स्टेटस देखना है। अगर तो वो सोल प्रोप्राइटर है तो अब आप एग्रीमेंट किसके साथ करेंगे, मिस्टर ए जो उनके ऑनर है उस बिज़नेस के, आपने उनके साथ एग्रीमेंट करना है, मिस्टर ए एंड यू, यानी मैं अगर ज़िशान हूँ, मिस्टर ए एंड ज़िशान इज़ एंटरिंग इन दिस एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है वो जिसके साथ आप बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, तो अब आपने पार्टनरशिप के नाम पे एग्रीमेंट नहीं करना। अगर उनका नाम है डिलाइट यूसुफ आदिल नाम है, KPMG नाम है, PwC फर्म के नाम बता रहा हूँ, अगर PwC नाम है तो आपने PwC के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, PwC के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पार्टनर ऑफ PwC एंड मेरा नाम मिस्टर ज़िशान दी डायरेक्टर ऑफ ABC कंपनी, या मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अगर उनके साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स हैं उनके नाम पे एग्रीमेंट होगा, उनके नाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इनके बिजनेस से एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उनके बिजनेस को लीगल स्टेटस हासिल नहीं है। कंपैरेटिवली बेटा अगर आपने पेप्सी से कुछ बोतलें मंगवानी हैं, कुछ स्नैक्स मंगवाने हैं, कंपैरेटिवली अगर आपने पेल से कुछ रेफ्रिजरेटर्स मंगवाने हैं, कंपैरेटिवली अगर आपने मैकडोनल्ड से बर्गर मंगवाने हैं, तो आप मैकडोनल्ड से एग्रीमेंट करेंगे, आप पेप्सी से एग्रीमेंट करेंगे, आप पेल से एग्रीमेंट करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि इसके जो मालिक है उसके साथ एग्रीमेंट हो। आप लिखा जाएगा उस एग्रीमेंट में बेटा दोनों पार्टीज़ के नाम लिखा जाएंगे, लिखा जाएगा जी पेल पार्क इलेक्ट्रॉन कंपनी एंड मिस्टर ज़िशान इज़ एंट्रिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, पेप्सी कोला इंटरनेशनल एंड मिस्टर ज़िशान इज़ एंट्रिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी को चूंकि लीगल स्टेटस हासिल है, तो कंपनी ने अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिविजुअल्स और अदर कंपनीज, इंडिविजुअल्स के साथ भी और अदर कंपनीज के साथ भी, लेकिन उसके पास लीगल राइट है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, उसने अपने नाम के साथ एंटर होना है।
तो इसको बेटा कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज नॉट अ पर्सन, लेकिन इसको कानून की नज़र में पर्सन समझा जाता, ठीक है जी। इसके बाद लाइबिलिटी टू पे डेट्स, अगर कारोबार पे कर्ज हो, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर है तो वो जो अकेला मालिक है उसने उस कर्जे की अदायगी करनी है, लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो उन पार्टनर्स ने मिल के उस कर्जे की अदायगी करनी है। लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी अदायगी करेगी, ना कि कंपनी के मालिक, क्योंकि कंपनी इट सेल्फ इज़ अ पर्सन। तो कंपनी से कहा जाएगा कि हमारे पैसे अदा करें। तो ये है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब। इसी तरह ऑनरशिप ऑफ एसेट, जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मैं अगर गाड़ी खरीदूँ, मैं प्रॉपर्टी खरीदूँ, आप भी इंशाल्लाह जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे आप अपने एसेट्स खरीद रहे होंगे। जब आप एसेट खरीदने के अरेंजमेंट में जाएंगे तो बेटा आप अपने नाम पे एसेट खरीदेंगे इंशाल्लाह, पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स अपने नाम पे एसेट खरीदेंगे। लेकिन कंपनी के केस में बेटा कंपनी अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, यानी गाड़ी कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर ट्रांसफर। ये पेप्सी की गाड़ी है, ये कोका कोला की गाड़ी है, ये नेक्स्ट की गाड़ी है, ये BMW कंपनी वालों ने गाड़ी खरीदी हुई है, ये BMW ने एसेट खरीदा हुआ, ये BMW ने ये लैंड खरीदी हुई है। तो ये मतलब है बेटा ऑनरशिप ऑफ एसेट। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में बिजनेस के नाम पे एसेट नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन कंपनी के नाम पे एसेट खरीदा जा सकता है, क्योंकि उसको लीगल हैसियत हासिल है, उसको पर्सन समझा जाता है कानून की नज़र से। उसके बाद है जी राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर कारोबार ने उधार पैसे दिए हैं या उधार पे चीज़ें बेची हैं कुछ लोगों को, सोल प्रोप्राइटर है, अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो आई हैव द राइट, मैं अपने डेटर से पैसे ले सकूँ कि भाई जान पैसे दें, आपको उधार पे चीज़ें बेची थी। अगर हम पार्टनर्स हैं, आप पार्टनर और मैं आपके साथ पार्टनर हूँ, हम दोनों या हम में से कोई एक भी हमारे कस्टमर से पैसे वापस मांग सकता है कि जी पैसे दें, आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन कंपनी के केस में मैं या आप नहीं मांग सकते, ओनर्स, अगर हम ओनर्स हैं, हम ओनर्स पैसे नहीं मांग सकते, कंपनी मांगेगी, कंपनी ईमेल करेगी, कंपनी केस फाइल करेगी, जी मुझे उनसे पैसे लेके दें। तो कंपनी अपने डेटर से पैसे मांग सकती है। इसके बाद बेटा मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस पे आते हैं। सोल प्रोप्राइटर आमतौर पे या तो मालिक खुद मैनेज कर रहा होता है, अगर बहुत छोटा बिजनेस है, अगर उसका स्केल बड़ा है तो उसने अपने पास एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं। इसी तरह पार्टनरशिप में अगर छोटा बिजनेस है, पार्टनर्स खुद मैनेज कर रहे होते हैं, अगर बड़ा बिजनेस हो गया तो पार्टनरशिप अपने साथ नीचे एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं। लेकिन कंपनी के केस में बेटा आमतौर पर ओनर्स कारोबार को मैनेज नहीं करते, ओनर्स ने कुछ लोग रखे होते हैं, मैनेजमेंट रखे होते हैं, जो कारोबार को मैनेज कर रहे होते हैं, और आमतौर पर उनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो ये बात आपने लाजमी ख्याल रखनी है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो खुद तो काम कर नहीं सकती, और ओनर्स भी उस कंपनी में आमतौर पर काम नहीं करते। हाँ, कर भी सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम लेटर स्टेज में सीखेंगे, लेकिन ये समझिए कि कंपनी के अंदर कुछ लोग होते हैं जिसको डायरेक्टर्स कहा जाता है, उनका एक बोर्ड बना होता है, यानी उनकी एक कमेटी बनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी के बिहाफ पे एग्रीमेंट कौन लोग कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स। आमतौर पर जो बिजनेस की मैनेजमेंट है, सोल प्रोप्राइटर तो इंडिविजुअल कर रहा होगा, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कर रहे होंगे। इसके बाद आते हैं लाइबिलिटी टू पे टैक्स। अगर तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसने टैक्स पे करना है, तो वो जो इंडिविजुअल है, अगर मेरा कारोबार है, मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, तो मेरे पे टैक्स की जो लाइबिलिटी है मैंने पे करनी है, मेरे बिजनेस ने पे नहीं करनी। जो मेरे बिजनेस के ऊपर बोर्ड लगा हुआ ना, वो नहीं पे करेगा, ठीक है जी, वो आके मेरे से पैसे वसूल करेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स हैं उनसे लाइबिलिटी ली जाएगी, उनसे टैक्स के पैसे वसूल किए जाएंगे। लेकिन बेटा कंपनी के केस में कंपनी से पैसे वसूल किए जाएंगे, ना कि कंपनी के मालिकों से, ना कि कंपनी के डायरेक्टरों से। कंपनी को कहा जाएगा कि अपने पैसे अदा करें, यानी कंपनी के नाम पे ईमेल की जाएगी, कंपनी के नाम पे नोटिस दिया जाएगा, कंपनी के नाम पे लीगल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, क्योंकि कंपनी इटसेल्फ इज़ अ पर्सन। और आखिरी बात देखते हैं जी, लीगल ऑब्लिगेशन फॉर ब्रेक ऑफ लॉ। देखिए, अगर इंडिविजुअल है, उसने कोई लॉ का ब्रेक किया, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है कोविड की वजह से, 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर किसी इंडिविजुअल ने, सोल प्रोप्राइटर, उसने दुकान बंद नहीं की, तो फाइन किसको होगा? बिजनेस को नहीं होगा, उस इंडिविजुअल को होगा, उसके आईडी कार्ड पर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, उसने लॉ की वायलेशन किया, संडे ऑफ है, लीगली संडे ऑफ है, नहीं ऑन कर सकते, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि संडे ऑन हो, पार्टनरशिप बिजनेस उन्होंने
कारोबार खोला हुआ है, लॉ को ब्रेक किया है, तो जब फाइन किया जाएगा उन पार्टनर्स को, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे फाइन किया जाएगा, ना कि उनकी फर्म को, पीडब्ल्यूसी को, केपीएमजी को, उनको नहीं फाइन किया जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स को फाइन किया जाएगा। लेकिन बेटा कंपनी की केस में, अगर वो कंपनी है, उसने अपना कारोबार खोला हुआ है, ऑफिस बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन वो कारोबार चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ऑफिस खुला हुआ, उनके एम्प्लॉयज आए हुए हैं, लॉ को ब्रेक किया, अब जो फाइन होगा ना वो ना तो डायरेक्टर्स पे होगा ना ओनर्स पे होगा, वो कंपनी के नाम पे फाइन होगा, क्योंकि कंपनी इज अ पर्सन। तो ये बेटा आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है, कंपनी को लॉ की नज़र में एक पर्सन की हैसियत हासिल है, लीगल पर्सन की हैसियत हासिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम इंसान को हैसियत हासिल है। फ़र्क क्या है, कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, डायरेक्टर्स उसको मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी इट्सेल्फ इज अ पर्सन, और वो सारी लाइबिलिटीज़ को, सारे मामलात को कंपनी के नाम से डील किया जाता है। जी बेटा देखिएगा, फीचर ऑफ दी कंपनी, फीचर्स का मतलब यानी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपनी की, उस कंपनी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप किसी दूसरे इंसान को समझ रहे हों, तो आपने उसकी हैबिट्स देखनी होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखनी होती है, आप उनकी रूटीन देखते हैं, उसके मुताबिक आप उनके साथ अपना बिहेवियर रखते हैं। इसी तरह बेटा ये कंपनी का बिज़नेस चूँकि हमारे लिए नया है और हम इसका लीगल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसलिए इसके फीचर्स देखना ज़रूरी है। फीचर्स मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर वन, ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो ओनर्स होते हैं वो आम तौर पे मैनेजमेंट कारोबार की नहीं कर रहे होते। मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखें, अगर आपके इलाके में, आपकी फैमिली में कुछ लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो खुद ही बिज़नेस को चला रहे होते हैं, पूरी फैमिली कारोबार पर जा रही है, रिश्तेदार जा रहे हैं, कुछ उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आमतौर पर बेटा ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में होता है। अगर एक ही बंदा मालिक है और उसका छोटा बिज़नेस है, उसकी कोशिश होती है मैं खुद चला लूँ, अगर थोड़ा बड़ा हो गया तो कुछ असिस्टेंट्स को रखता है, लेकिन खुद भी साथ में चला रहा होता। पार्टनरशिप में भी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर है। लेकिन बेटा कंपनी में जो ओनर्स हैं आमतौर पर वो बिज़नेस नहीं चला रहे होते, क्योंकि मैंने बताया मिलियंस में भी हो सकते हैं ओनर्स। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10,000 रुपये में से 10,000 रुपये के पहल के शेयर्स ख़रीद सकते हैं, यानी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी पहल के शेयर्स में, 10,000 रुपये में आप फातिमा फर्टिलाइज़र के शेयर ख़रीद सकते हैं, 10,000 रुपये आप दीवान सीमेंट के शेयर्स ख़रीद सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये 10,000 रुपये के आपने शेयर ख़रीदे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट पर बैठ के आपने CDC से ऑनलाइन शेयर्स ख़रीद लिए, अब आपका पैसा कंपनी में लग गया, तो बेटा आप मैनेज तो नहीं कर रहे, कितने लोग हैं जो मैनेज करेंगे? अगर मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, मिलियंस ऑफ ओनर्स हैं, तो वो सारे के सारे तो नहीं मैनेज कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि मिलियंस ऑफ ओनर्स क्यों हैं। बेटा इसको भी समझना ज़रूरी है कि कंपनी के केस में मिलियंस ऑफ ओनर्स क्यों ज़रूरी हैं, या क्यों हो सकते हैं, या क्यों होते हैं, और फिर वो जो ओनर्स हैं वो मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहे सारे के सारे। अब बेटा इसमें ज़रा समझिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में इंसान की कैपेसिटी और उसके रिसोर्सेज दोनों लिमिटेड होंगे। जब वो कारोबार कर रहा है सोल प्रोप्राइटर, उसको जो स्किल आती है और उसके पास जो पैसा है उसके मुताबिक कारोबार कर सकता है। तो आमतौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप छोटे बिजनेसेस होते हैं। अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें कुछ पार्टनर्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो हमारे साथ कारोबार को मैनेज कर सकें, एंड वो कारोबार में कुछ और पैसा भी ला सकें, तो कारोबार थोड़ा सा और फैल जाता है। लेकिन बेटा 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, 25 लोग हैं, तब भी रहता तो लिमिटेड ही है। यानी 20 लोगों के रिसोर्सेज ऐड होंगे, 20 लोगों की स्किल ऐड होगी, तो वो तो शायद आप किसी एक शहर को भी ना कवर कर सकें, किसी प्रोविंस को, किसी कंट्री को, और पूरी दुनिया को कवर करना तो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ियाँ बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करनी है, आपने जहाज़ बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करने हैं, आपने बोतलें बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करनी है, आपने कपड़े बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करने हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्शन के लिए, तो वो 10 20 40 50 लोग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से पैसे चाहिए। तो बेटा आपसे कुछ 150-200 साल पहले ये कंपनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि एक ऐसा बिज़नेस मॉडल भी होना चाहिए जिसमें पैसे की कोई लिमिटेशन ना रहे,
जिसमें जितने पैसे चाहिए हों लोगों से कहें जी ये लें आके इन्वेस्ट करें, ये लें जी आके इन्वेस्ट करें, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको उनके प्रॉफिट का कुछ ना कुछ शेयर मिलता रहेगा। लेकिन वो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको चला नहीं रहे होंगे, चला कौन रहे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स चला रहे होंगे, जो डायरेक्टर्स हैं। कुछ ओनर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, से 20% है, 25% है, 30% इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से डायरेक्टर भी बन सकते हैं और वो कुछ मैनेजमेंट का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो मैनेजमेंट है वो ओनर से अलग होती है। ओनर्स का काम है कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना और अपना प्रॉफिट लेना, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। उन डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर हो सकते हैं जो ओनर्स हों, लेकिन आमतौर पे ओनर्स और मैनेजमेंट क्या है, दो सेपरेट लोग हैं। जब डायरेक्टर्स बैठते हैं किसी मामले पे मीटिंग में कारोबार के बारे में किसी फैसला करने के लिए, तो उसमें ओनर्स नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर कोई ओनर डायरेक्टर भी है तो वो एज ए डायरेक्टर बैठेगा, एज ए ओनर नहीं बैठेगा उसमें कंपनी के फैसले के लिए। ठीक है बेटा, तो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, ये कौन है, ओनर्स हैं। मेंबर और शेयर होल्डर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इंशाल्लाह हम कुछ लेक्चर्स के बाद इसमें डिफरेंस भी सीखेंगे। और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स क्या है, ये मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कह लें इसको, टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आपने 100 रुपये का शेयर है फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का, आपने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा और वो मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में कारोबार करती है, तो 100 रुपये का शेयर ख़रीद के आप जाकर उसका बाहर मेन दरवाज़ा खोल के उसके हेड ऑफिस में जाकर बैठ नहीं जाएंगे कि मैंने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, सारे पीछे हट जाएंगे। जो ओनर्स हैं कंपनी के केस में, उनका काम है कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्रॉफिट लेके जाएं। और कारोबार को चलाना किनका काम है, डायरेक्टर्स का काम है। इसलिए कंपनीज 150 साल से, 200 साल से कारोबार कर रही हैं और चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ओनर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मैनेजमेंट भी आती रहती है और जाती रहती है। ऐसा क्यों है, कंपनी की लाइफ इतनी ज़्यादा लंबी क्यों है, ये भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। आज के तो नहीं, खैर कल के लेक्चर में कवर होगा। कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसने मरना तो है नहीं, ओनर्स आते रहेंगे, मैनेजमेंट भी आती रहेगी, कारोबार चलता रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, हम ये समझ के लॉ को पढ़ते हैं, ये लॉ ये अज्यूम करके बना हुआ है, इस बेस पे बना हुआ है कि मैनेजमेंट विल बी सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स, ओनर्स विल बी द सेपरेट पर्सन एंड मैनेजमेंट विल बी द सेपरेट पर्सन। मैनेजमेंट वो है जो कारोबार को चला रही है, ओनर्स वो हैं जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ रिटर्न की गर्ज से, उसको चलाने की गर्ज से नहीं कर रहे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है जी, फीचर ऑफ द कंपनी में लीगल एंटिटी है, इसकी आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे बिहेव करती है। लीगल एंटिटी का मतलब है इसकी सेपरेट कानूनी हैसियत हासिल है इसको, ये अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है, इसकी जो लाइबिलिटीज होंगी कंपनी की वो कंपनी ही अदा करेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना कंपनी अपने नाम से एंटर हो सकती है। बैंक से गाड़ी लीज़ करानी है तो कंपनी के नाम पे गाड़ी लीज़ हो सकती है कि हमने फलां कंपनी को गाड़ी लीज़ पे दी हुई है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की केस में बिजनेस के नाम पे गाड़ी इशू नहीं होती, या तो पार्टनर्स के नाम पे गाड़ी इशू होगी या सोल प्रोप्राइटर के नाम पे गाड़ी इशू होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट बिजनेस में, किस बिजनेस को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, सिर्फ कंपनी को लीगल हैसियत हासिल है कि ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के बिजनेस अपने बिजनेस के नाम से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है जी राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा वसूल करना कंपनी के पास राइट है, वो डेटर से पैसा वसूल कर सकती है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, और टैक्स पे करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है ना कि डायरेक्टर्स की। लेकिन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में टैक्स पे करना पार्टनर्स की भी जिम्मेदारी है और सोल प्रोप्राइटर की भी जिम्मेदारी है, वो कारोबार के पैसे से पे करें या अपने जाती पैसे से भी पे करें। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर अपने घर के पैसों से आके कंपनी का टैक्स पे करें, ऐसा नहीं है। ओनर्स अपने घर के पैसों से आके कंपनी का टैक्स पे करें, ऐसा नहीं है। कंपनी के पास जो पैसे हैं उसी में से ही उसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं क्विकली 1 मिनट में इसको वाइंड अप करूँ, हमने आज सीखा क्या, हमने आज कंपनी सीखा, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी किसी कंपनी जब बनी उस वक्त के जो लॉ उसके मुताबिक बनेगी, लेकिन जब वो ऑपरेट करेगी गवर्न करने की तो जो प्रेजेंट लॉज हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे, प्लस जो कंपनी के अपने इंटरनल लॉज हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, इनको हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ये दो लॉज कंपनी पे अप्लाई होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके जी,
कंपनी के बाद हमने देखा कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको लॉ की नज़र में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कानून की नज़र में उसको एक सेपरेट इंडिविजुअल समझा जाता है, ये एक पर्सन समझा जाता है कि ये भी एक शख्स है लेकिन आर्टिफिशियल है, ठीक है। उस आर्टिफिशियल पर्सन होने की हैसियत से जो इंसानों के पास हकूक होते हैं वही हकूक कंपनी को मिल जाते हैं, ये प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ये अपने नाम से बिजनेस भी कर सकती है, ये केस भी कर सकती है, इस पर भी केस किया जा सकता है, जो इंसानों के हकूक है मोर और लेस इसको लीगल जो राइट्स हैं ह्यूमंस के वो राइट्स उसको मिल जाते हैं कंपनी को। और फिर हमने फीचर्स में दो फीचर्स अभी पढ़े हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट को सेपरेट समझा जाता है। मैनेजमेंट कौन है? जो स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं बिजनेस का, जिन्होंने कारोबार के बारे में फैसले करने हैं। और ओनर्स को रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम आवाम हैं, हम वोटर हैं, और हमारे जो नॉमिनीज़ हैं वो MNAs MPAs हैं जो हमारे लिए फैसले करते हैं। इसी तरह कंपनीज में भी डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के नॉमिनीज़ होते हैं जो उनके कारोबार के बारे में फैसला करते हैं, तो इसलिए दोनों सेपरेट समझे जाते हैं। अब जब हमने एक दफ़ा उनको चूज़ कर लिया, जिस तरह हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को चूज़ करते हैं, MNAs को MPAs को, और एक ख़ास अरसे के बाद हम दोबारा चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टर्स को भी एक ख़ास अरसे के लिए चूज़ किया जाता है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है। और दूसरा हमने पढ़ा जी लीगल एंटिटी है, यानी कारोबार जो कंपनी है उसको कानूनी हैसियत हासिल है, उसको एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है, जो पर्सन के पास राइट होते हैं मोर और लेस वही राइट्स कंपनी के पास भी होते हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।